हिटमैन रोहित शर्मा दो हफ्ते से क्वारंटीन में रहने के बाद मेलबर्न में भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। रोहित के स्क्वाड में शामिल होने के बाद टीम को मजबूती मिली है। दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज कर आत्मविश्वास से भरी हुई एडिलेड में पहले टेस्ट मैच में अपने न्यूनतम स्कोर 36 रन पर आउट होने के बाद टीम इंडिया मेलबर्न में शानदार वापसी कर 4 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर ली है। BCCI ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मुख्य कोच रवि शास्त्री सलामी बल्लेबाज के साथ क्वारंटीन के दिन कैसे गुजरे दोस्त, इस पर रोहित ने कहा कि अधिक युवा महसूस कर रहे हैं। रोहित को चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव, रिद्धिमान साहा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर से मिलते हुए दिखाया गया है। शास्त्री ने दूसरे मैच के समाप्त होने के बाद ही कहा था कि रोहित को सिडनी में 7 जनवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल करने से पहले उनकी फिटनेस पर गौर किया जाएगा। BCCI ने 11 दिसंबर को घोषणा की थी कि सलामी बल्लेबाज ने बेंगलुरु के NCA में फिटनेस पास कर लिया है, जिससे उनका 4 टेस्ट मैच की सीरीज में खेलने का रास्ता साफ हो गया है। रोहित IPL के दौरान चोटिल हो गए थे, उनके जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिस कारण वह सीमित ओवरों की सीरीज और पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। टीम इंडिया अगले कुछ दिन मेलबर्न में ही अभ्यास करेगी और 7 जनवरी से सिडनी में शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट से 3 दिन पहले सिडनी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया टीम भी यही प्रैक्टिस करेगी। आमतौर पर टीम नववर्ष की पूर्व संध्या पर सिडनी पहुंच जाती है, लेकिन शहर में कोरोना संक्रमण के नए मामले के कारण इस साल खिलाड़ी और अधिकारी लंबे समय तक मेलबर्न में ही रहेंगे।